कंपनी हेडक्वार्टर ने एमएमजी फायरिंग किया, 2 मिलीटन उधर में रुक गया, 2 मिलीटन नीचे भाग गया। मिलीटन जो है डायरेक्ट नाला की तरफ से आया था, फायरिंग करने की कोशिश किया तो वो छुप गया। पीछे जो है हमारा हवलदार साहब दादा आ रहा था। दादा हम लोग से कम 350 मीटर लगभग था सर। दादा आगे बढ़ा, एक मिलीटन को खत्म कर दिया। दादा ने मेरे को बताया है आप मेरे को स्पॉट फायर करना, मैं आगे जाता हूं। तो हवलदार दादा थोड़ा साइड से फिर लेटते हुए रेंगते हुए अपना पोजीशन लिया, दादा ने खत्म कर दिया। नेटवर्क नहीं है वहां में, कभी कभार बातचीत होता है। अभी हम लोग जंगल में है, ऑपरेशन ऑन एयर ऑपरेशन ऐसा बोला था ना, मजाक से बोलता था ना, ना सही है तो मालूम नहीं है, बोलता था ऐसे ही। साजी हम लोग चार्ज में क्या था बचा लो, तो पापा के बारे में कुछ भी पता नहीं। कभी छुट्टी आएगा 1 महीना ना, 1 महीना आता था तो वो क्रिसमस समय में, नहीं तो चालो लोग समय आता था। सुबह में हम हमेशा 7:30 ऐसे में न्यूज़ देखता है, तो वो देखा है वहाँ में फायरिंग हो रहा है। जम्मू कश्मीर से आ रही है जहाँ के कुपवाड़ा में मुठभेड़ की खबर है। ड्यूटी में चला गया, 7 बज गया। उनको फिर क्लियर किया दोनों मिलिटेंट्स को, क्या क्या सामान है उनको चेक किया। उसके पास तो बाइनोकुलर भी है, मोटोरोला जीपीएस भी है, खाना पीना रेशन डायरी में मैप भी लेके आया है। वो लोग इतने क्लियर आता है सब। उसके बाद हम 2 टोली में बट गया, एक ओसी साहब की टोली, एक हवलदार दादा की टोली। हवलदार दादा सबसे पहले लीड किया। अरे लेट हो जाएगा, रात होने के बाद तो मिलिटेंट निकल जाएगा तो क्या करेगा। दादा भी मोटिवेट करते गए हमारे को, तो हमारा अंदर भी जोश आ रहा था। पत्थर भी काफी था इस एरिया में, ढलान में चला गया तो दिखना नामुमकिन। हवलदार दादा मूव क्विकली एंड केम फेस टू फेस विद द थर्ड टेररिस्ट एंड न्यूट्रलाइज्ड। मिलिटन के साथ जब फायरिंग होता है तो उसमें हमारा जान का खतरा है, गोली के सामने जाना बहुत ही मुश्किल है। थोड़ा देर बाद वो पेट पकड़ के फिर खड़ा होना शुरू हो गया। जो हिम्मत है वो जुटाते हुए अपनी क्षमता दिखाने की कोशिश की, लेकिन तब तक मेरी प्यारी रात 10:30 को फोन किया था। आप मेम साहब है, दादा का मेम साहब है। हाँ मैम साहब, आपको एक बात बताना है। तो क्या क्या हुआ? दादा ठीक है? मैं वही पूछा ना दादा। दिल रोती है उसके बारे में तो डिफिनेशन देने से कम है, स्याही खत्म हो जाएगा। मेरी प्यारी आई एम आस्क्ड टू गिव माई लाइफ, आई एम रेडी फॉर दैट। अभी तो दादा तो है ही नहीं, मैं इनका फैमिली के लिए हमेशा पटना करते रहूंगा। अभी तब जब से दादा गया वो है कहीं ना कहीं, वो है वो ही सोच रहा हूँ। क्या बनेगा आप बड़ा होके बेटा? आर्मी ऑफिसर। हवलदार हंगपन दादा वाज नो ऑर्डिनरी सोल्जर, ही वाज एक्सेप्शनल। We are standing at approximately 12,000 feet and what you see in front of you is the Shamshabadi Ranges. This patch of ice is the area through which the 4 hardcore terrorists came on that fateful day of 25th of May and 26th of May in the morning.
क्यों नीचे है, बल्लू राम का बदन जमीन क्यों नीचे है, तो हमें उसे बल्लू राम का बदन जमीन के नीचे है पर हमको उसका राशन मिलता है. This song is inspired from the Second World War when the Japanese had laid a siege around one of the company positions near Kohima. Though the company was under siege, they were able to survive as the quartermaster continued to indent for rations even for soldiers who had been martyred in the war. तो हमें उसका राशन मिलता है. बल्लू राम का बदन जमीन का नीचे है. Hello, I'm coming.